व्हाइट और मे बी ब्लू ब्लैक शालू इज राइट मुझे लगती है दोनों लड़कियों का और सिर्फ मुझे नहीं लगता इन दोनों का नहीं मैं सारी लड़कियों का बता सकता हूँ कि बेवजह का गुस्सा होना तुझे ज्यादा शायद वेब सीरीज और इसको ज्यादा मूवीज और मुझे भी ज्यादा मूवीज हाय दिस इज राघव ठाकुर तो आज हम लोग एक सेगमेंट करने जा रहे हैं कि मुझे कौन कितना जानता है तो मेरे साथ है प्रियंका और शालू है ना अब ठीक है तो कौन पूछेगा दोनों बता सकते हैं ना हाँ बताओ व्हाइट और मे बी ब्लू ब्लैक शालू इज राइट वैसे यहाँ ये भी राइट थी काफी हद तक क्योंकि व्हाइट भी अच्छा है लेकिन जो इसने ब्लू बोल दिया ना वहाँ इसका माइनस हो गया अच्छा मुझे भी बताना है क्या ब्लैक तो तेरा भी होगा और तेरा ब्लैक ये ब्लैक मत खेल नहीं तेरा ब्लैक तेरा ब्लैक नहीं तो मैं रॉन्ग हूँ दोनों का नहीं पता मुझे आई लाइक व्हाइट यही बोलने वाला था मैं बता फेवरेट फूड अगर इंडियन फूड में बोले तो इसको चटनी बहुत पसंद है चटनी एंड आलू भुजिया इसको घर का खाना बहुत अच्छा लगता है घर का कोई भी अच्छा खाना जो टेस्टी हो और सब्जी में गोभी आलू की सब्जी और वो भी पानी वाली ये थोड़ी ठीक है मतलब हाँ लेकिन इसमें रेटिंग मैं दूंगा प्रियंका को क्योंकि इसमें ज़्यादा करेक्ट बताया है चटनी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं रोज यहाँ पे मेकअप रूम में खुद से चटनी बनाता हूँ और फिर खाता हूँ इसको दाल चावल बहुत पसंद है लेकर के आती है रोज लेकर के आती है दाल चावल इज कंफर्ट फूड हाँ कंफर्ट फूड तो मतलब पसंद है ना नहीं पसंद नहीं पसंद क्या है पसंद ओनली सैलेड्स और इसका मैं कहूँ तो तेरे को मटर पनीर पसंद है नहीं मटर पनीर ये बहुत खाती है मुझे भी खिलाती है तो इसलिए मुझे पता है वेस्टर्न ट्रेडिशनल एक तो करेक्ट होगा ही होगा लेकिन दोनों ठीक है कभी कभी ट्रेडिशनल कभी कभी वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न तो हमेशा ही होता है हाँ ट्रेडिशनल तो बहुत कम पहनते हैं यार हम लोग यार मतलब हाँ अब तेरा मैं बताऊँ तेरा मतलब मेरे को नहीं पता उसको वेस्टर्न बोलते हैं ट्रेडिशनल बोलते हैं लेकिन उसको थोड़ा उस टाइप का पसंद है जो आजकल पहनते हैं ना थोड़ा लूज टाइप के कपड़े को थोड़ा मतलब थोड़ा सा फंकी टॉमबॉयश टाइप के तो इसको ये पसंद है ठीक है और इसको वेस्टर्न सेक्सी वाले हाँ मुझे पसंद है बट मुझे ट्रेडिशनल भी पसंद है पसंद तो है मतलब ज़्यादा पसंद कौन ट्रेडिशनल तो फिर मैं गलत हूँ मैं नहीं जानता है बैड हैबिट ये तो अच्छे से बता देगी पहले नो बैड हैबिट ही बाइट्स नेल्स सो मच नहीं मुझे कुछ बैड तो नहीं लगता मतलब है इसको समझ में नहीं आता कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो इसको समझ में नहीं आता कि सामने वाला गुस्सा है तो ये तो इसमें बैड हैबिट क्या है मतलब ये इसमें चिल रहने वाला है ना कि हाँ ये बैड हैबिट मुझे अच्छी नहीं लगती अच्छा ओके ठीक है और मैं बताता हूँ मुझे लगती है दोनों लड़कियों का और सिर्फ मुझे नहीं लगता इन दोनों का नहीं मैं सारी लड़कियों का बता सकता हूँ कि बेवजह का गुस्सा होना है ना बिना मतलब के मुंह फुला के बैठ नहीं मैं नहीं बैठ ये है उसी तू लड़की नहीं है नहीं मैं तू तेरा सेम है बिना बात के बैठ जाना वजह ये लोग खुद ढूंढ लेते हैं निकाल लेते हैं कि अच्छा मुंह फुलाना है मुझे तो फिर निकाल लो वजह एक मैं एक्चुअली शाहरुख खान की मूवी से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं हूँ ना तो मैं हूँ ना से है ना हो गया है ना ले लिया है बस ये इसका मुझे पता है ये बोलती रहती है पीट दूंगी नहीं वो नहीं इसका ज्यादा है इसका वो है पीट दूंगी
पीट दूंगी। नहीं पीट दूंगी नहीं बोलती है, ये कहती है पीट दूंगी, पीट दूंगी। और इसका है इसके लिए तो मूवी, इसके लिए भी मूवी, और इसके लिए सीरीज, इसके लिए बोथ। हाँ मतलब बोथ, बट नहीं मतलब ज्यादा वाली बात है ना। वैसे तो मुझे नहीं, नहीं वैसे तो सीरियल्स भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन जो ज्यादा है उसकी बात करें तो तुझे ज्यादा शायद वेब सीरीज, वेब सीरीज, और इसको ज्यादा मूवीज, और मुझे भी ज्यादा मूवीज।